तो गाइस आज हम लोग ड्रेन करने वाले हैं एक एंटायर ओशन मॉन्यूमेंट को और ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं उसको एक एमरल्ड मॉन्यूमेंट के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लगने वाला है। पर यार उससे पहले एक बात सुन लो, ये सब वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज यार डिस्क्रिप्शन में जाओ और इंस्टा पे एक बार फॉलो कर लो यार, और अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और दोनों में हम लोग एक्टिव रहते हैं और आपके साथ बातें भी करते हैं। अब चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते शुरू। तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये रूम बनाया था जहाँ पे माइनक्राफ्ट के सारे बायोम्स हैं, एंड यार ये रूम बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है। पर यार आज हम लोग इससे भी ज्यादा मस्त बिल्ड बनाने वाले हैं, एंड उसके लिए हम लोग को जाने पड़ेगा अपने स्टोरेज एरिया में। ओके गाइस हम लोगों ने सारा सामान ले लिया जो कि जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग को बस एक ओशन मॉन्यूमेंट चाहिए जिसको हम लोग पूरा ड्रेन कर सके। तो गाइस मिलते हैं आपको एक ओशन मॉन्यूमेंट ढूंढने के बाद। सो फाइनली हमें एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल चुका है जो कि परफेक्ट लोकेशन में है, एंड अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे गार्जियंस रहते हैं और उनको मानना ज़रूरी है। एंड अब चलो यहाँ पे एक सेंटर को ढूंढते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग अपने बिल्डअप करते हैं ऊपर में, क्योंकि नीचे बहुत सारे गार्जियन हैं जो कि हम लोग को परेशान कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना लिया जहाँ से हम लोग अपने सर्कल को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है पानी से, तो अब हम लोग को गार्जियन से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो जल्दी से हम लोग अपने सर्कल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं एल्डर गार्जियन को मारने के लिए, क्योंकि बार बार वो हमें माइनिंग फटीक दे दे रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। ओके सो हम लोग यहाँ पे पहला गार्जियन मिल चुका है, तो चलो जल्दी से इसको मार देते हैं, एंड बाकी दो गार्जियन के भी हमें लोकेशन पता है तो उनको भी हम लोग इजीली मार देंगे। एंड गार्जियन नंबर टू और गार्जियन नंबर थ्री। सो गाइज अब टाइम है ट्रेजर लूटने का और देखने का इस ट्रेजर में आखिर है क्या। ओके काफी सारे गोल्ड ब्लॉक है यहाँ पे, देखते कितने सारे है। हा? बस छी, घर से ला के दे दूंगा थोड़ा मैं। तो हम लोग यहाँ पे स्पॉन्ज रूम मिल चुका है, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने बिल्ड के लिए, तो चलो जल्दी जल्दी बहुत सारे स्पॉन्ज कलेक्ट कर लेते हैं। एंड डन। ओके गाइज हम लोग पूरा मॉन्यूमेंट को लूट के वापस आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे स्पॉन्जेस और बहुत ज़्यादा ही गोल्ड मिल चुके हैं, एंड उस गोल्ड का क्या करें हमें पता भी नहीं है। बट अभी के लिए तो हम लोग को यहाँ पे पूरा एरिया को एक सर्कल में कन्वर्ट करना है, एंड वहाँ पे हम लोग को सैंड ड्रॉप करके पूरा पानी को हटाना है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइज फाइनली 10 मिनट्स की मेहनत के बाद हम लोग का यहाँ पे पूरा सर्कल हो चुका है कंप्लीट, जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, ये 100x100 ब्लॉक्स का, मतलब सोच रहे हो 100x100 ब्लॉक्स का। एंड अब हम लोग को क्या करना है कि सैंड से पूरे सर्कल को कवर कर देना है, एंड उसके बाद हम लोग को सैंड से पार्टीशन करना है, एंड वहाँ से हम लोग को स्पॉन्ज से पानी निकालना, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो जल्दी से काम करते हैं। तो गाइस हम सैंड लाना ही भूल गए भाई, और अभी काफ़ी ज़्यादा सैंड चाहिए, तो जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस सैंड तो हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी, बट शल्कर बॉक्स की कमी के चलते हम लोगों ने बस थोड़ा ही सैंड लाया है, एंड बार बार अब हमें जाना पड़ेगा और बहुत सारे सैंड कलेक्ट करने पड़ेंगे। बट अभी जितने सैंड है उससे हम लोग को पूरे सर्कल को कवर करना है, और भाई ये करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सिर्फ एक लाइन को करने के लिए हम लोग को 2 मिनट लग गए। तो चलो इसको करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस लिटरली 3 घंटे के टॉर्चर के बाद हमने ये पूरा सर्कल को कवर कर लिया, बट अभी भी काम नहीं ख़त्म हुआ है, क्योंकि यार अब हम लोग को इस सर्कल को पार्टीशन में डिवाइड करना है जैसे हम कर रहे हैं, एंड उसमें हम लोग को सैंड डालना है। तो भाई देख रहे हो ये इजी कभी नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट काम होने वाला है, तो जल्दी से करते हैं और काम को ख़त्म करते हैं। एंड हम लोग का ये लास्ट होने वाला है, और इसी के साथ हम लोग का पार्टीशन भी हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। मतलब अब हम लोग को बस स्पॉन्ज को ड्राई करना है, एंड उसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं। एंड स्पॉन्ज को ड्राई करने के लिए हम लोग को एक नेदर पोर्टल बनाना है, और नेदर में हम लोग इजीली उसको ड्राई कर सकते हैं। तो हम लोग नेदर में पहुंच चुके हैं, और अब हम लोग को बस स्पॉन्ज को प्लेस करना है, और प्लेस करते ही वो ड्राई हो जाएगा, और इसी के साथ उसका साउंड वाइब बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो चलो अब इसको कलेक्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। सो फाइनली वी आर बैक, बट अभी काम ख़त्म नहीं हुआ यार, अभी हम लोग को ऊपर का जो सर्कल है उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही हम लोग काम चालू कर सकते हैं।
एंड आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपना सर्कल कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसको पूरा हमें ड्राई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। देखो भाई, प्रॉब्लम ये है कि स्पॉन्जर्स बस 4-5 ब्लॉक को ही ड्राई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो क्या पता क्यों बार बार यहाँ पे इन्फिनाइट सोर्स आ जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग को अब क्या करना है कि दोबारा पार्टीशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का हर एक एरिया का जो लेंथ है, मतलब वेथ है, वो 9 ब्लॉक्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उसी की वजह से स्पॉन्जर्स जो है वो ठीक से ड्राई नहीं कर पा रहे। एंड यस, आपने सही समझा, हम लोग को दोबारा से सैंड लाना पड़ेगा और दोबारा से वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओके गाइज, हम लोग का यहाँ पे हो चुका है पूरा पार्टीशन कंप्लीट। एंड इस बार हम लोगों ने सब कैलकुलेशन कर लिया है एंड हम लोग का पूरा पार्टीशन परफेक्ट है, एंड दोबारा से मेहनत करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि ड्रेन भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है, तो इसको करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2000 years later। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हम लोग का हाफ से भी ज़्यादा काम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, एंड ये कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। बट यार, इसके साथ ही हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसको करने के लिए, क्योंकि यार एक को ड्रेन करने के लिए हम लोग को मिनिमम 10 मिनट से तो ज़्यादा लग ही रहे हैं। और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग को अभी भी कम से कम नहीं तो 6 और ऐसे लेयर्स को करना है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग का ओशन मॉन्यूमेंट पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका है, बस अब हम लोग को सैंड को रिमूव करना है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगने वाला है। मतलब यार आप ही देखो ना, सारे जगह पानी है और बस इसी सर्कल के अंदर पानी नहीं है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम चीज़ है। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि पूरे सैंड को रिमूव करना है, जो कि ईजी होगा बट यार टाइम कंज्यूमिंग तो वो भी होगा। तो चलिए जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। ओके गाइज, हम लोग यहाँ पे घर वापस आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारे मटेरियल चाहिए, क्योंकि हम लोग को अब फाइनली ओशन मॉन्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए फ्लोरिंग बनाने के लिए, एंड बहुत सारे एमरल्ड्स के ब्लॉक चाहिए, और बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे बकेट भी चाहिए होंगे। तो जल्द से उन सबको बनाते हैं एंड कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बकेट तो अपने पास बन चुके हैं, बस इसको लावा से भरना है। एंड अब हम लोग को चाहिए बहुत सारे एमरल्ड के ब्लॉक, जो कि हम लोग के पास बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग रेड फार्म बनाए थे एंड वहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे एमरल्ड के ब्लॉक्स मिल चुके हैं। एंड इसी के साथ हम लोग को काफ़ी सारे अब स्टोन भी चाहिए होंगे, क्योंकि हम लोग को फ्लोरिंग बनाना है एंड फ्लोरिंग के लिए हम लोग स्टोन यूज़ करने वाले हैं। तो यार सब तो कलेक्ट कर लिया है, अब चलिए चलते हैं अपने नेदर। ओके, तो हम लोग नेदर में आ चुके हैं। अब सारे बकेट को हम लोग जल्दी से लावा में भर लेते हैं। एंड ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारे सैंड को स्मेल्ट करना है, जो कि कोल से तो इम्पॉसिबल है। एंड यार अब चलिए डायरेक्टली मिलते हैं आपको मॉन्यूमेंट में। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं पूरा ओशन मॉन्यूमेंट ड्रेन होके कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक सेकंड, अभी तो इसे ट्रांसफॉर्म करना भी बाकी है। सो गाइस, आप लोग बस सोचिए ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद कितना ज़्यादा ओपी लगने वाला है। तब तक मैं क्या है ना, शल्कर प्लेस कर देता हूँ। एंड गाइस, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो को अब तक बनाने के लिए 15+ आवर्स लग चुके हैं। तो गाइस एक लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, क्या ना अच्छा लगता है। एंड अब चलो यार, यहाँ पे हम लोग 35 फर्नेस बना देते हैं और सबको प्लेस कर देते हैं, और सब में एक एक लावा बकेट भरेंगे और एक एक स्टैक सैंड भरेंगे, और जब तक ये स्मेल्ट होते हैं तब तक हम लोग अपने फ्लोरिंग के ऊपर काम कर लेते हैं। तो यार हमने सारे सैंड को स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया है, और अब हम लोग को क्या करना है कि फ्लोरिंग करना है। एंड उसके लिए हम लोग के पास काफ़ी सारे स्टोन है, बट हमने प्लान चेंज कर लिया है, हम लोग स्टोन से नहीं स्टोन ब्रिक से करने वाले हैं, क्योंकि स्टोन ब्रिक में ना टेक्सचर ही अलग है। तो चलो यार, सारे स्टोन को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोन ब्रिक में कन्वर्ट करते हैं एंड फ्लोरिंग का काम भी कर देते हैं। ओके गाइज, हम लोग का काफ़ी टाइम के बाद ये फ्लोरिंग का काम हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम लग रहा है। मतलब यार आप बस एक बार चेक करो, पूरे ओशन मॉन्यूमेंट के नीचे यहाँ पे स्टोन ब्रिक का स्लैब लगा हुआ है, जो कि पहले से तो बहुत अच्छा है। एंड अब चलते हैं अपने सैंड के तरफ, जो कि अभी तक स्मेल्ट हो चुका होगा, और अपने पास काफ़ी सारे ग्लासेस हैं अभी। भाई ग्लासेस कहाँ गए सारे?
ओके 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 ओके, इसने कलेक्ट कर लिए थोड़े बहुत, और थोड़े मुझे करने थे, मुझे अभी याद आया। सो इसको जल्दी से कलेक्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ग्लासेस की तो थोड़ी बहुत कमी पड़ गई है, तो हम लोग और स्मेल्ट होने के लिए दिए हैं, और तब तक हम लोग क्या करते हैं कि एमरल्ड से पूरे मॉन्यूमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ये भी हो चुका है डन, और अभी मॉन्यूमेंट जो है वो पहले से लाखों गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यार चलो आपको एक बार दिखाता हूँ। सो पहले अपना मॉन्यूमेंट बहुत ही अजीब सा था, मतलब उतना अच्छा नहीं था, बट अभी एमरल्ड लगाते ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब यार एक शाइन सी आ रही है, और फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाकी ब्लॉक्स को भी रिप्लेस करके गोल्ड के कर सकते हैं, बट अभी तो हम लोग उतने रईस नहीं है। और गोल्ड के तो क्या, अभी हम लोग एमरल्ड के ब्लॉक ही पूरे यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यार थोड़ी बहुत कमी हो चुकी है, बट उसको बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो अपने सारे ग्लासेस हो चुके हैं यहाँ पे स्मेल्ट, तो इसको जल्दी से हम लोग कलेक्ट करते हैं। एंड चलो यहाँ पे पूरे सैंड को रिमूव करके ग्लासेस लगा देते हैं। सो अपना ओशन मॉन्यूमेंट पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, सारे ग्लास भी लग चुके हैं और एमराल्ड्स भी लग चुके हैं, और आप लोग ऊपर से देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओपी दिख रहा है। बट यहाँ पे अभी भी थोड़ा काम बाकी है, जैसे कि कुछ कुछ जगह पे एमराल्ड्स लगाना है, तो उसका भी कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। पर अभी के लिए आप लोग मॉन्यूमेंट को चेक करो, ये कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस अब चलो चलते हैं और थोड़े बहुत एमराल्ड का जुगाड़ करते हैं। तो एमराल्ड का जुगाड़ करने के लिए हम लोग आ चुके हैं शिप में, और आपको पता है क्यों? क्योंकि यार अपने पास, यार देखो पहले हम लोग गए थे अपने चेस्ट रूम, एंड वहाँ पे अपने पास एमराल्ड के ब्लॉक्स नहीं थे। अपना रेड फार्म अब काम नहीं करता है, क्योंकि उसको फिक्स करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो शिप बचा है ना, एंड शिप में हम लोग कुछ करते भी नहीं है आजकल, तो इसका एमराल्ड क्या ही कर सकते हैं। पर मतलब यार हम लोग ऊपर का एमराल्ड नहीं लिए हैं, जहाँ से नहीं दिखता है वही एमराल्ड हम लोग कलेक्ट कर लिए। ओके, तो फाइनली पूरा शिप को खोखला करने के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं, और अपने पास अब बहुत सारे एमराल्ड है, जिसको हम लोग इसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। और यार बात है, करते करते अपना पूरा यहाँ पे एमराल्ड से कन्वर्ट हो भी चुका है, एंड अब हम लोग का ओशन मॉन्यूमेंट पूरा एमराल्ड का हो चुका है। हाँ, बस यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे ब्लॉक्स है जिसको हम लोग एमराल्ड का कन्वर्ट नहीं किए, एंड उसको हम लोग फ्यूचर में कोई डिफरेंट ब्लॉक्स के करने वाले हैं। और यार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन से ब्लॉक ऐसे हो सकते हैं जो कि एमराल्ड के साथ बहुत ज़्यादा ऑसम लगने वाले हैं। सो वही ब्लॉक से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए तो आप देखो यार, जितने भी हम लोगों ने आज तक बिल्ड बनाए, सबसे बेस्ट ये ओशन मॉन्यूमेंट वाला बिल्ड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम भी लगा है, बहुत ज़्यादा मैसिव बिल्ड है, एंड पूरा एमराल्ड का है। और मतलब क्या लग रहा है यार, यहीं पर हम लोग आके रह सकते, इतना ज़्यादा ऑसम है। और भाई जैसे कि आप देख सकते हो, गांव बसा नहीं कि यहाँ पे चोर पहले से हाजिर हैं। देख सकते हो अपना एमराल्ड का मॉन्यूमेंट जस्ट कंप्लीट हुआ, और पिलेजर्स पहले से आ गए। मतलब यार ये डाकुओं को तो समझाना पड़ेगा, और इसके बॉस वाले डाकुओं को तो पहले मानना पड़ेगा। इस बात को हम लोगों ने सिर्फ इनको मारा है, अगली बार से अगर आते हैं तो लटका देंगे। खैर यार वो सब छोड़ो, आप बताना कमेंट में कैसा लगा वीडियो। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे लिंक है भाई, उसको फॉलो कर दो, एंड डिस्कॉर्ड में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग बातें करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े भी करते हैं। और भाई ये रिप्ले भी आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेगा।